नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूँ आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। बागेश्वर धाम के मुखिया पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का बोलने का अंदाज बहुत ही चुटीला है। वायरल हो रहे एक वीडियो में पंडित जी कह रहे हैं कि एक महिला उनके चेहरे पर ही नारियल फेंक दिया था। इससे उनकी नाक लाल हो गई और वे रात भर परेशान रहे। दरअसल पंडित शास्त्री प्रवचन के दौरान बताया कि कैसे कैसे भक्त टकरा जाते हैं। वीडियो देखकर लग रहा था कि धीरेंद्र शास्त्री उस समय पूरी तरह मजाक के मूड में थे। उन्होंने कहा कि कुछ भक्त फूलमाला चढ़ाते हैं तो एक संत महाराज तो चाकू चढ़ाने आ गए। अब भक्त हैं तो इन्हें मना नहीं कर सकते। कल की ही बात ले लीजिए, एक माताजी आई और उन्होंने हमारे मुंह पर नारियल फेंक कर मार दिया। नारियल नाक पर लगा और हम पूरी रात परेशान होते रहे। बार बार बाम लगाई। जब हमने उनसे पूछा कि नारियल फेंक कर क्यों मारा तो उन्होंने कहा कि गुरुजी अर्जी चढ़ाई है। इस दौरान पंडित शास्त्री अपने सुरक्षा कर्मियों पर भी चुटकी लेने से नहीं चुके। बाबा ने कहा कि एक बार एक आदमी हमारे पास आया कि बाबा तुम्हारा बॉडीगार्ड बनना है। हमने कहा बन जाओ, क्या दिक्कत है। एक जगह लड़ाई हो गई, हमें ही उसे बचाना पड़ा। उन्होंने कहा जब सुरक्षा कर्मियों से पूछो कि क्या काम करते हो तो कहते हैं कि गुरुजी की सिक्योरिटी में हैं। इन्हें किसी बात की चिंता नहीं है। ये भक्तों को तभी धक्का देते हैं जब कोई फूल चढ़ाने आए। लेकिन देख लीजिए, कोई काजू का फक्का मार रहा है तो कोई मोबाइल देखने में व्यस्त है। उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों की तारीफ भी की। ये लोग ही हमारा ध्यान रखते हैं। बागेश्वर धाम छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में स्थित है। 28 वर्षीय पंडित धीरेंद्र शास्त्री बड़ी संख्या में अनुयायी जो उनके पास अर्जी लगाने के लिए आते हैं। पंडित शास्त्री पर्ची निकालकर लोगों की समस्याएं बताते हैं, साथ ही उनका समाधान भी बताते हैं।